हे गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने एक वाटर पंप है। इस पंप का दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो है प्रेशर प्रॉब्लम। वाटर का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होती है और थोड़ा थोड़ा करके जो है वाटर निकल आती है। तो इस जगह में नीचे से दोस्तों जो है वाटर थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों हल्का सा लीकेज होती है, यानी निकल के आती है। तो इसके अगर प्रॉब्लम इस तरह का आप देखने में आती है तो आप निश्चित हो जाना कि इसके जो मैकेनिकल सील है वो डैमेज हो चुकी है, तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा। मैकेनिकल सील डैमेज होने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम देखने में आती है। तो आइए हम इसका जो तीन यहाँ पे नाट आप देख रहे हो, इन तीन नाट को ओपन करेंगे। इसके लिए थोड़ा थोड़ा इसका हम यहाँ पे हीट करेंगे, क्योंकि पुराने अगर नाट होगा तो आसानी से तो नहीं ओपन होती है। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, हमने हाउसिंग वगैरह निकाल दिया। यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको भी ओपन करना है। तो यहाँ पे हमने 16 और 17 वाला जो स्पनर होती है इससे उसको ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह से पकड़ के रखेंगे पीछे की तरफ पंखा को, और इस तरह से घुमाएंगे तो ये निकल जाएगी। देखिए, तो ये दो टाइप का होती है दोस्तों, एक बोल्ट टाइप का होती है, एक लॉक वाला होती है। तो बोल्ट टाइप आसानी से ओपन हो जाती है। जो चाबी वाला सिस्टम होती है वो बहुत ही बेकार सिस्टम है, उसमें जो है बहुत ही परेशानी होती है इसको निकालने में। और इसके बाद इस एम्पुलर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एम्पुलर थोड़ा सा टाइट है, तो आप इस तरह से इसको देखिए निकाल दीजिए। तो एम्पुलर भी निकल गया है, एम्पुलर अच्छा है, इसमें कोई डैमेज वगैरह नहीं है। अब इसका जो मैकेनिकल से दोस्तों उसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से देखिए उखाड़ेंगे इस तरह से, तो आसानी से निकल के आ जाएगी। देखिए निकल गया। अब इसके अंदर देखिए, इसका एक पत्थर है ब्लैक टाइप का, इसको भी निकाल देते हैं। इसके अंदर दोस्तों और भी एक चीज़ है, देख सकते हैं आप, वाइट वाला ये वाला पत्थर भी आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको निकालेंगे। एक साइड में इसको रखेंगे और हम यहाँ से हीट करेंगे तो ये निकल जाएगी। और साइड में इस तरह से प्रेशर बनाएंगे, इस तरह से देखिए एक साइड में। तो ये देखिए एक साइड उठ गया। इस तरह से प्रेशर बना के आपको जो है इसको निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में दोस्तों जो है वो मैकेनिकल सील आप दोस्तों चेंज कर सकते हो। और बिल्कुल सेफ्टी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखते रहिए, तो आसानी से दोस्तों आप जो है मैकेनिकल सील चेंज करना सीख जाओगे। तो हमने ये वाइट वाला दोस्तों पत्थर को भी निकाल दिया है, देखिए ये वाला। अब इसके अंदर और एक चीज़ होती है दोस्तों, एक रबर होती है, इसको भी निकाल देना है। देखिए इसको भी जो है निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट टू पार्ट इसका बहुत सारा पार्ट बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन इतना पार्ट्स दोस्तों जो है होते नहीं, इसको सिर्फ सेट करना होती है। देखिए इसके अंदर होता है इस तरह से, और जो वाइट वाला पत्थर आप देख रहे हो वो ब्लैक वाला रबड़ के अंदर इस तरह से सेट होती है, इस तरह से। फिर इस दोनों आपस में इस तरह से जो है घिस के आपस में, यहाँ पर जो है मोटर जब रन होती है तो घिसता है यहाँ पर। तो इसी से दोस्तों जो है ये काम करती है। इससे ये अगर इस तरह से इसका पत्थर डैमेज हो जाती है तो वाटर दोस्तों पास हो जाती है, फिर लीकेज होती है और जो एयर जो है लेती है, इसके लिए प्रेशर भी नहीं बनती है। तो जब भी आप मैकेनिकल सील खरीदने जाओगे तो यहाँ पे एक नंबर होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 12 mm का जो है बोल सकते हो इस वाटर सील को। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप एक नया जो है मैकेनिकल सील लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नया मैकेनिकल सील है अभन कंपनी का, बहुत अच्छा क्वालिटी इसका है और बहुत अच्छे से ये काम करती है। और यहाँ पे आप देखिए, अब इसको हम लगाने से पहले इसकी जो अंदर जितने भी कचरा वगैरह है उसको निकाल देंगे, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे आप वाटर से, या फिर अच्छे से इस तरह से क्लीन कर दीजिए। अब इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे, इसको ओपन कर लेते हैं इस तरह से, और कुछ इस तरह से इसका पैकिंग होती है आप देख सकते हो। और देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मैकेनिकल सील है, देख सकते हो आप, और अच्छे से इसको पैकिंग भी किया गया है। अब ये दोनों को दोस्तों हमको सेट करना है। देखिए इसका जो चादर है वो स्टील से बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे है क्वालिटी, इसमें
प्रोवाइड किया गया है। इससे ये जो सील है बहुत ही अच्छी काम करती है, ज़्यादा टाइम चलती है, जल्दी से ये डैमेज नहीं होती है। अब इन दोनों को हम यहाँ से इस तरह से आपस में ओपन कर लेंगे। आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ डाल के भी डाल सकते हो, तो उससे सबसे अच्छा होगा। इस तरह से बराबर के सबसे पहले डालिए, इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा ग्रीजिंग कर दिए, और ग्रीजिंग करने के बाद इसको अंदर डाल दीजिए। सबसे पहले रबर डालिए, इससे सबसे अच्छा सेटिंग होती है। इसके बाद जब पत्थर को डालेंगे तो उसके भी साइड में थोड़ा थोड़ा कर ग्रीजिंग डाल दिए इस तरह से, ताकि आसानी से यहाँ पे जो है सेट हो जाए। इसको भी हम अंदर डालेंगे। अब ये देखिए, अब एक इस तरह से आपका प्लास्टिक का एक पाइप लेना है और इसको इस तरह से अंदर डालना है, और हैमर से दोस्तों हल्का हल्का से आपको हीट करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। और अब देखना कि आपका जो है पत्थर सेट हो चुकी है। देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, रबर के बराबर सेम टू सेम लेवल होना चाहिए इसका। अब इसको सेट करेंगे तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रेजिंग लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से लगा दीजिए। इसके बाद इसको भी हम लगा देंगे उसके ऊपर में। चलिए डाल देते हैं इसको। ये देखिए हो गया। अब इसको भी हमको थोड़ा सा नीचे की ओर दबाना पड़ेगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा हीट करके नीचे की ओर दबा देते हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दोस्तों, हल्का हल्का सा हीट करना है। और देखिए ये सेट हो जाएगी अपने आप। तो देख सकते हो ये बिल्कुल सेट हो चुकी है यहाँ पे हमारा मैकेनिकल सील। अब इसमें हम वाटर डालेंगे इसको टेस्ट करने के लिए कि ये सही से सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे वाटर हमने डाल दिया है। अब वाटर डालने के बाद दोस्तों आप ऐसे हल्का हल्का से घुमाइए, आप देखिए कि नीचे की ओर वाटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लीकेज हो रहा है कि नहीं, आपको देखना है। और लीकेज अगर रहेगी तो वो पानी में आपका हल्का हल्का जो है बुलबुले उठेगी, तो वो भी ध्यान रखिए। बुलबुले अगर उठती है उसके मतलब सेटिंग नहीं हुआ अच्छा से। तो यहाँ पर देखिए कोई बुलबुले भी नहीं उठ रहा है और नीचे की ओर पानी भी नहीं जा रहा है, इसका लेवल भी बिल्कुल सही है पानी का। तो ऐसे आप इसको सबसे पहले टेस्ट कीजिए। तो हमारा मैकेनिकल से दोस्तों सही से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी बुलबुल भी नहीं उठ रहा है और पानी नीचे की ओर नहीं जा रहा है, और पानी का लेवल भी सेम है, तो ये बिल्कुल सही से हुआ है। अब इसको हम सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एम्पुलर लगा देते हैं यहाँ पे, जैसा था वैसे इसको उस तरह से लगा देना है और अच्छे से टाइट वगैरह कर देना है। तो यहाँ पे एम्पुलर लग के कॉम्प्लीट हो चुकी है। अब जब एम्पुलर आप लगाएंगे और मैकेनिकल सील, तो आप इसका जो मोटर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से फ्री नहीं होगी, थोड़ा सा टाइट होकर चलेगी, तभी आप जानेंगे कि मैकेनिकल सील आपका काम कर रहा है। और बिल्कुल फ्री होकर चलेगी मोटर, इसके मतलब मैकेनिकल सील आपका दोस्तों काम नहीं कर रहा है। तो नया सील आप जब भी लगाएंगे तो आपका मोटर दोस्तों हल्का टाइट होकर चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रनिंग हो जाएगी वो अपने आप ठीक हो जाती है, हल्का हल्का टाइट। जब नया सील होती है तो हल्का हल्का टाइट होकर दोस्तों वो चलती है। उसके बाद इस सभी नट को अच्छे से टाइट कर देना है ताकि लीकेज वगैरह ना हो चारों ओर। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे, अब देखेंगे नीचे की इस वो लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको चेक करना है दूसरी बार, क्योंकि टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक चीज़ करने के बाद। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा वाटर लीकेज नहीं हो रहा है अब, और बिल्कुल सही है। आइए अब इसका हम दोस्तों आपको पावर सप्लाई देके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने पावर सप्लाई इसमें दे दिया है, और अब इसका दोस्तों के साथ देखिए आप कितने दूर ये पानी फेंक रहा है, और बहुत ही अच्छे से दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी लीकेज वगैरह हमारा पानी का नहीं है, और बहुत ही अच्छे से बहुत स्पीड से पानी निकल रहा है। ऐसे दोस्तों आप पानी का पैसा भी भरा सकते हो और मैकेनिकल सील चेंज करना सीख गया हो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।